हेलो स्टॉक्स वालों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले उन स्टॉक के बारे में जिन्होंने दिया है हाईएस्ट रिटर्न पिछले 10 सालों में, और इसको मैंने बनाया दो पार्ट में। और इसका जो पहला पार्ट है उसमें ऑलरेडी बता चुका हूं नंबर 10 से लेकर नंबर 6 वाले जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में। तो अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें। बात कर लेते हैं मेथोडोलॉजी की। तो जो तरीका मैंने अपनाया ये लिस्ट बनाने के लिए, तो इसकी जो डिटेल है ऑलरेडी पार्ट 1 के वीडियो में दे चुका हूं। इसमें मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू बता देता हूं कि मैंने जो करंट मार्केट प्राइस लिया है वो लिया 1 फरवरी 2019 का, और जो 10 साल का टेन्योर लिया है वो लिया 1 फरवरी 2009 से लेके 1 फरवरी 2019 का। यानी कि ये 10 साल मैंने लिए और उसके बेसिस पे बनाई है लिस्ट। डिटेल में मेथोडोलॉजी के लिए मैं कहूंगा कि आप पार्ट 1 इस वीडियो का देख लें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी के प्रोफाइल और उनके बिजनेसेस के बारे में, साथ ही में देखेंगे स्टॉक्स के ओवरव्यू को और जानेंगे उनके लास्ट 1, 3, 5 और 10 साल के रिटर्न को। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं लाते रहता हूं। और बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करने पाए। ये टॉप 10 हाईएस्ट रिटर्न गिविंग स्टॉक्स का पार्ट 2 और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। स्टार्ट कर लेते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पे आती है हमारी रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड। यह आती है इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड्स में। इसका जो सेक्टर है वो FMCG, और ये जो कंपनी है वो है प्राइवेट, और जो स्टार्ट हुई थी वो थी 13 सितंबर 1984 में। और इसके बिजनेस की बात की जाए तो ये एक मार्केट लीडर फुटवेयर इंडस्ट्री में इंडिया में, और ये मेनली जो बनाती और बेचती है वो है कैजुअल्स, जॉगर, स्कूल के लिए शूज और लेदर शूज। इसकी मार्केट की बात करें तो इसका मेन मार्केट जो है वो डोमेस्टिक यानी इंडिया में बेचती है, इसके साथ ही बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट में बेचती, जैसे कि एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट। अब देख लेते हैं स्टॉक का ओवरव्यू। तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 9,005 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इसकी अगर 52 वीक हाई लो की बात की जाए तो इसका जो 52 वीक का हाई था वो था 874 और जो लो था वो था 550। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस यानी कि 1 फरवरी 2019 को जो बंद हुई वो ये 747.75 रुपए के आसपास। अब देख लेते हैं इसका रिटर्न। तो इसका एक साल का जो रिटर्न था वो था 18%, 3 साल में इसने जो रिटर्न दिया वो 57%, 5 साल में इसने जो रिटर्न दिया है वो है 536%, यानी इसने आपके पैसों को 6 गुने से भी ज्यादा कर दिया 5 साल में। और इसका जो 10 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं वो है 22,144%, यानी कि इसने आपके पैसों को 222 गुने से भी ज्यादा कर दिया 10 सालों में। तो आपको 1 करोड़ बनाने के लिए 10 साल पहले स्टॉक में लगाने होते सिर्फ 45,159 रुपए। अब आ जाते हैं नंबर 4 पे। तो नंबर 4 पे आती है अवंती फीड्स लिमिटेड, जो कि इंडस्ट्रीज कंज्यूमर गुड्स में आती है। इसका जो सेक्टर है वो FMCG, और ये भी एक प्राइवेट कंपनी है जो कि स्टार्ट हुई थी 6 जनवरी 1993 में। अगर इसके बिजनेस की बात की जाए तो मेनली बनाती है प्रोसेस श्रिम्प एंड फिश फीड फॉर प्रॉन कल्चर, और ये लार्जेस्ट सप्लायर है श्रिम्प फीड का इंडिया में। और उसके मार्केट की बात की जाए तो वो डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स भी है, जैसे कि US, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड मिडिल ईस्ट। अब बात करते हैं स्टॉक के ओवरव्यू की। तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 4,715 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके अगर 52 वीक हाई लो की बात की जाए तो 865.47 रुपए का 52 वीक का हाई है, और 306.50 रुपए का 52 वीक का लो। और जो करंट मार्केट प्राइस है इसका यानी कि 1 फरवरी 2019 को जो बंद हुई वो हुई है 346.05 रुपए पे, यानी अपने 52 वीक लो के आसपास ही अभी उसका प्राइस चल रहा है। अब देख लेते हैं स्टॉक का रिटर्न। तो एक साल का जो रिटर्न आप देख सकते हैं बहुत बड़ी गिरावट है इसमें, 52% डाउन है। वहीं पे 3 साल का जो रिटर्न है वो 172%, और इसका 5 साल का रिटर्न वो है 2,021%, यानी कि इसने अपने पैसों को 21 गुने से भी ज्यादा कर दिया है 5 साल में। और इसका 10 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं 27,626%, यानी कि इसने आपके पैसों को 277 गुने से भी ज्यादा कर दिया 10 साल में। यानी कि आपको 1 करोड़ बनाने के लिए 10 साल पहले जो अमाउंट इन्वेस्ट करना होता वो होता लगभग 36,198 रुपए। अब आ जाते हैं हमारे नंबर 3 की कंपनी पे। तो नंबर 3 पे सिंफनी लिमिटेड, जो कि आती है इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड में। इसका सेक्टर है वो भी है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और ये प्राइवेट कंपनी है जो कि स्टार्ट हुई थी 1988 में। और इसके अगर बिजनेस की बात की जाए तो ये मेनली बनाती है रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एयर कूलर्स। आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे, हो सकता है यूज भी किया हो। और ये वर्ल्ड लीडर है एवोपरेटिव एयर कूलर्स बनाने में। और इसके मार्केट की बात की जाए तो वो इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट भी है, जिसमें आते हैं US, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया।
अब बात कर लेते हैं स्टॉक के ओवरव्यू की। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 8,430 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई एंड लो है वो है 1991.95 रुपये 52 वीक हाई और 811.85 रुपये 52 वीक लो। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 1,205 रुपये, यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों अपने हाई लो के बीच में ही अभी चल रहे हैं। रिटर्न देख लेते हैं इसका, तो एक साल का जो इसका रिटर्न है वो डाउन है 36% के आसपास। तीन साल का जो इसका रिटर्न है वो भी बुरा है 5%, और 5 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं 394%, यानी कि इसने आपके पैसों को लगभग 5 गुने के आसपास कर दिया 5 साल में। और इसका जो 10 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं 28,103%, यानी इसने आपके पैसों को 282 गुने से भी ज्यादा कर दिया है पिछले 10 सालों में। यानी कि 1 करोड़ बनाने के लिए आपको 10 साल पहले इस कंपनी में इन्वेस्ट करना होता 35,583 रुपए। अब बात कर लेते हैं हमारे नंबर दो की कंपनी पे, तो नंबर दो पे आती है बजाज फाइनेंस। ये आती है इंडस्ट्री फाइनेंशियल सर्विसेज में। इसका जो सेक्टर है वो NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है ये, और ये भी एक प्राइवेट कंपनी है। और ये स्टार्ट हुई थी 25 मार्च 1987 में। और इसके बिजनेस की बात की जाए तो मेनली ये फाइनेंसिंग कंपनी है, रिटेल फाइनेंसिंग में काम करती है। और ये फाइनेंस करती है 2-व्हीलर पर्सनल लोन इंश्योरेंस सर्विसेज, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। और इसके अगर मार्केट की बात की जाए तो मेनली अपने प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में ही बेचती है। इसका जो मार्केट है वो डोमेस्टिक मार्केट ही है। अब देख लेते हैं स्टॉक का ओवरव्यू। तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 151,913 करोड़, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और अगर 52 वीक के हाई लो की बात की जाए तो इसका हाई है 2995.10 रुपये और लो है 1,514.40 रुपये। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 2628, यानी कि ये अपने हाई के आसपास ही है 52 वीक हाई के आसपास। आप देख लेते हैं इसका रिटर्न, तो इसका एक साल का रिटर्न आप देख सकते हैं 53% और तीन साल का रिटर्न 335%, यानी कि इसने 4 गुने से भी ज्यादा कर दिया आपके पैसों को सिर्फ 3 साल में। और इसका 5 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं 1,585%, यानी इसने आपके पैसों को 16 गुने से भी ज्यादा कर दिया 5 साल में। और ये इसका 10 साल का रिटर्न 44,974%, यानी कि इसने आपके पैसों को 450 गुने से भी ज्यादा कर दिया 10 साल में। तो आपको 1 करोड़ बनाने के लिए 10 साल पहले इस कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ता सिर्फ और सिर्फ 22,235 रुपये। अब आती है हमारी लिस्ट की नंबर वन कंपनी, और वो है टेस्टी बाइट ईटेबल्स लिमिटेड। पता नहीं आप में से कितने लोग इस कंपनी को जानते होंगे, तो मैं बता दूं ये आती है इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड्स में। इसका जो सेक्टर है वो FMCG, और ये एक प्राइवेट कंपनी है जो स्टार्ट हुई थी 1985 में। और इसके बिजनेस की बात की जाए तो ये मेनली बनाती है रेडी टू सर्व फूड या फिर फ्रोजन वेजिटेबल्स। और इसने एक एक्सेप्शनल रिटॉर्ट पाउच डेवलप किया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। और इसके जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है कैंपर्स के बीच, माउंटेन क्लाइंबर्स के बीच, सेलिंग एक्सपेडिशन पे जाने वाले लोगों के बीच और डेजर्ट सफारी पे जाने वाले लोगों के बीच। और इसके अगर मार्केट की बात की जाए तो इसका जो मार्केट है वो है डोमेस्टिक और साथ ही में इंटरनेशनल, जिसमें आते हैं ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। और मैं बता दूं कि डोमेस्टिक से ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में इसके प्रोडक्ट जो है वो बिकते हैं। अब देख लेते हैं स्टॉक का ओवरव्यू। तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है सिर्फ 2,104 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर इसके 52 वीक हाई लो की बात की जाए तो वो 11,371 हाई और 7,020 रुपए लो। और अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 8,198 रुपए, यानी कि ये अपने लो के आसपास ही है। अब देख लेते हैं इसका रिटर्न, तो एक साल में ये डाउन है 11% के आसपास, लेकिन 3 साल में इसने रिटर्न दिया 386%, यानी कि इसने आपके पैसों को 4 गुने से भी ज्यादा कर दिया 3 साल में। और 5 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं 4,654%, यानी कि इसने आपके पैसों को 47 गुने से भी ज्यादा कर दिया सिर्फ 5 साल में। और ये इसका 10 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं 45,545%, यानी इसने आपके पैसों को 456 गुने से भी ज्यादा कर दिया है सिर्फ 10 साल में। तो आपको 1 करोड़ बनाने के लिए 10 साल पहले जो अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता वो होता सिर्फ और सिर्फ 21,956 रुपए। ये थी लिस्ट, वीडियो करूंगा यहीं पे वाइंड अप। पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।